हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं तथा निरंतर वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में क्लासरूम प्रोग्राम संचालित है। आप UPSC, MBPSC, MPSI, कांस्टेबल तथा व्यापम की तैयारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तथा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, नोट्स की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अपनी पहली न्यूज़। दोस्तों MPSI की टेस्ट सीरीज हमारी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसका प्रथम पेपर जो है डल चुका है, कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है, इसे मैंने एक्टिवेट कर दिया है। और भी बच्चे जो चाहें वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आकर। इन्हें मैं एक दिन बाद अगर आप आकर देखेंगे तो ये एक्टिवेट आपको मिलेंगे, तो मैं इन्हें एक्टिवेट कर दूंगा और आप जो है इसका टेस्ट का एक आइडिया इससे ले सकते हैं यहाँ पर आकर, और जब पहला टेस्ट डल जाएगा तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों हमारी यह जो सीरीज है इसमें कुछ वीडियोस कभी कभी लेट हो जाते हैं, इसके लिए मैं बिल्कुल आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन वीडियोस लेट हो सकते हैं, वीडियो ऐसा नहीं है कि उस दिन का वीडियो आए ना है, तो इसीलिए आप हो सकता है थोड़ा लेट वीडियो हो जाए, पर आपको उस दिन का वीडियो करेंट अफेयर आपका मिलेगा जरूर। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला जो हमारा करंट अफेयर है। देश का प्रथम पूर्वोत्तर राज्य जिसने स्वयं को सशस्त्र बल अधिनियम अफ्सपा के नाम से इसे हम जानते हैं 1958 के तहत अशांत क्षेत्र जो है घोषित किया है। दोस्तों यह राज्य है असम। असम ऐसा पहला राज्य है पूरे देश में जिसने अफ्सपा का प्रयोग करते हुए अपने आप को अशांत क्षेत्र जो है ये घोषित कर दिया है। अभी तक मुख्य बात इसके संबंध में यह रही है इस अधिनियम के संदर्भ में कि जो भी अफ्सपा का इस्तेमाल किया गया है यह केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, क्योंकि इसको हैंडल करने की शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के ही पास हैं। पहली बार इसका प्रयोग जो है किसी राज्य द्वारा किया गया है, राज्य को जो शक्तियां दी गई हैं उनके तहत इसका प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यह एक मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है अफ्सपा से जुड़ा, क्योंकि अफ्सपा से जुड़े कुछ इश्यूज ऐसे रहे हैं कि जिन राज्यों में अफ्सपा लागू है उन राज्यों में मानवाधिकारों का बहुत ज्यादा हनन हो रहा है, ऐसे विवादास्पद इशू जो हैं रहे हैं, चाहे वो JNU विवाद का मुद्दा हो, या आप देखें कि एक आप बहुत सारी मूवीज भी इसमें बनी है, जैसे हैदर मूवी आप देख सकते हैं वो अफ्सपा को ही लेकर बनी है। अफ्सपा या AFSPA आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, इसके अंतर्गत दोस्तों इस अधिनियम की मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, इसके अंतर्गत जो सैन्य बल होते हैं इन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कई कई बार ये सैन्य बल जो है बिना वारंट की गिरफ्तारी कर लेते हैं, तलाशी ले सकते हैं, और इन विशेष शक्तियों के कारण ही कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है कि इन क्षेत्रों में मानवाधिकारों का बहुत ज्यादा हनन होता आ रहा है, ऐसी इसके संबंध में विवाद रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 2017 को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत असम सरकार ने राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यह प्रथम अवसर है, मैंने आपको जैसा बताया यह प्रथम अवसर है जब किसी राज्य सरकार ने अफ्सपा अधिनियम की धारा 3 के तहत स्वयं को अशांत क्षेत्र जो है ये घोषित किया है, जबकि पूर्व में राज्य में AFSPA अफ्सपा प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा लगाए और बढ़ाए जाते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान में अफ्सपा 6 राज्यों में लागू है। यह आपसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है UPSC और MPPSC में आर्म्ड फोर्स जो आपका आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है या इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है उसमें आप यह लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं कि पहली बार अफ्सपा का प्रयोग जो है इसके द्वारा किया गया है, तो अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है वहां पर इसे आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह जिन राज्यों में लागू है वह है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उसमें 7 राज्यों में यह लागू है, जब 5 राज्यों में यह लागू है, जबकि जम्मू कश्मीर में भी यह लागू है। अगली खबर को देखते हैं। वह उच्च स्तरीय समिति जिसकी सिफारिशों पर युवा एवं खेल मामले का जो मंत्रालय है उसने 13 सदस्यीय अधिकारिता धारी संचालन समिति का गठन किया है। दोस्तों यह
जो समिति है इसका नाम है अभिनव बिंद्रा समिति। अभिनव बिंद्रा जो है भारत के बहुत अच्छे निशानेबाज रहे हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में यह समिति चूंकि स्थापित की गई है अतः इसका नाम है अभिनव बिंद्रा समिति। 1 सितंबर 2017 को युवा और खेल मामले के मंत्रालय ने 13 सदस्यीय अधिकारिता संचालन समिति के गठन को सहमति जारी की। यह समिति अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में ओलंपिक टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर गठित की गई है। यह समिति वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों सहित बहु अनुशासनात्मक खेलों में भारत की तैयारियों को आकार जो है प्रदान करेंगी कि भारत अधिक से अधिक पदक कैसे लाएगा, इसकी जो तैयारियां हैं इसके संदर्भ में यह सिफारिश पेश करेगी, क्या भारतीय खेल प्रणाली में संशोधन की आवश्यकता है, किन तैयारियों की हमें आवश्यकता है और कहां कहां हम गलतियां कर रहे हैं, इस बात पर यह अपनी अनुशंसा देगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि सितंबर 2016 में खेल मंत्रालय ने ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की प्रभावी भागीदारी के लिए टास्क फोर्स का दोस्तों गठन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। यह दोस्तों किया गया है 1 से 7 सितंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, यह किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे वो व्यापम हो, SSC हो या फिर MPPSC और UPSC हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन 1 से 7 सितंबर 2017 को करेगा। इस सप्ताह के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय जागरूकता शिविर, दोस्तों रीजनल जो अवेयरनेस शिविर हैं, कैंप्स हैं, ये लगाए जाएंगे। रीजनल अवेयरनेस कैंप्स बहुत ज्यादा आवश्यक हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे देश में कुपोषण की समस्या इसीलिए है क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, लोगों शिक्षा का स्तर जो है निम्न पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं और जागरूकता भी नहीं फैलाई जा रही है, जिसके कारण लोगों में जो है जागरूकता नहीं है, उन्हें पता नहीं होता है कि भाई क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे हमारी जो डाइट है वो एक संतुलित आहार रहेगा। आप देखिए MPPSC और UPSC का जो सेकेंड मेन्स का पेपर है उसमें जो सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट में आप जाकर देखेंगे तो आपको यह जो है आपको कुपोषण का एक अपने आप में चैप्टर मिलेगा, तो उसके लिए आप यह उसमें लिख सकते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन जो है यह किया जाएगा 1 से 7 सितंबर के दौरान, यह किया गया है और इसमें काफी जो है लाभ मिला है। देखिए क्या लाभ मिला है यह हम देखते हैं आगे। हमें ध्यान देना चाहिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कुपोषण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, बिल्कुल बहुत गहरे स्तर पर समस्या है क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि भारत जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अलार्मिंग की कैटेगरी में है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अलार्मिंग की कैटेगरी में है जो कि एक बहुत अच्छी कैटेगरी नहीं है और भारत में स्थिति जो है पोषण के संबंध में यह दयनीय है। इसके संबंध में दोस्तों कई कार्यक्रम प्रभावी रहे हैं जिसमें मिड डे मील कार्यक्रम, उसके बाद आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है हमारा या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसके तहत अनाज जो है 3, 2 और 1 रुपए किलो की दरों में दिया जाता है, 3 रुपए किलो प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो जो है गेहूं और 1 रुपए प्रति किलो मोटा अनाज दिया जाता है। दोस्तों इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का जो लाभ मिला है जिसके अंतर्गत खासकर महिलाओं और बच्चों में 11% गिरावट दर्ज की गई है एनीमिया में, तो एनीमिया में 11% जो गिरावट दर्ज की गई है ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों और यह एक प्रभावी कार्यक्रम रहा है। आगे देखते हैं, प्रथम भारतीय शहर जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है दोस्तों, यह शहर है अहमदाबाद। 1 सितंबर 2017 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने 600 वर्ष पुराने वालर्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद को विश्व धरोहर सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की है। आपको एक महत्वपूर्ण बात यह बता दूं कि MPPSC में आप जाएंगे देखेंगे आप MPPSC मेंस का सिलेबस तो उसमें विश्व धरोहर स्थल जो है यूनेस्को की सूची में उनके बारे में एक पूरा आपके सिलेबस में लाइन दी गई है, तो दोस्तों वहां पर इसे नोट कर लें और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उस श्रेणी के लिए, वहां पर यह पूछा जा सकता है तो इस पर आप ध्यान रखें
और इसे नोट कर लें। पहला शहर है चूंकि यह देश का और वॉलेट सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसे ही जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह प्रथम अवसर है जब किसी भारतीय शहर को, बताया आपको मैंने ये कि प्रथम अवसर है कि जब किसी भारतीय शहर को विश्व धरोहर सिटी से सम्मानित किया गया है। वॉलेट सिटी ऑफ अहमदाबाद साबरमती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसे सल्तनत काल में भव्यगढ़ दीवार और जैन मंदिरों की वास्तुशिल्प विरासत से सजाया गया। यह तीसरा शहर होगा जिसे भारतीय उपमहाद्वीप, भारत में जो अन्य देश हैं उन्हें मिलाकर, भारत के आसपास उन्हें मिलाकर भारत को जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसमें इसकी विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। इससे पूर्व नेपाल में भक्तपुर और श्रीलंका में गैले को विश्व धरोहर सिटी के रूप में दोस्तों मान्यता जो है ये दी जा चुकी है। वह देश जहां हाल ही में विश्व के सबसे तेज लेजर विकसित करने का दावा पेश किया गया है, यह देश है दोस्तों जर्मनी। 1 सितंबर 2017 को जर्मनी का जो यह भौतिक शास्त्री इंस्टीट्यूट है, इसके वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परिशुद्धता के साथ दुनिया का सबसे तेज लेजर जो है यह विकसित कर लिया है। यह लेजर विभिन्न अनुप्रयोग जैसे ऑप्टिकल परमाणु घड़ी, डियोट्रोनॉमी, सटीक स्पेक्ट्रोस्कोपी या किसी तत्व की जो है गुणों को जानने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है, सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण करने में दोस्तों सहायक होगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा एक्सरे लेजर यूरोपियन XFEL यूरोप में ही विकसित किया गया है। तो दोस्तों धन्यवाद, आप जुड़े रहिए हमसे, और हमारे अगर आप नोट्स चाहते हैं हमसे, मेंस यूपीएससी मेंस, एमपीपीएससी मेंस, इनके नोट्स अगर चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यूपीएससी एमपीपीएससी के हमारे क्लासरूम प्रोग्राम जो हैं ये भोपाल मध्य प्रदेश में संचालित हैं, चाहे तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम इनमें आपकी कंप्रिहेंसिव स्टडी करा रहे हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू के तीनों के स्तर पर हमारे द्वारा तैयारी की जा रही कराई जा रही है। साथ ही व्यापम और एसएससी के भी हमारे कोर्सेज संचालित हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, अगर आपको किसी भी सलाह की आवश्यकता हो या फिर क्लासेस की आवश्यकता हो तो आप दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं फ्री टेस्ट सीरीज और इन करेंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।